ये इमेज एक जेपीजी फॉर्मेट में लगभग 700 करोड़ की बिकी है। ये वाली इमेज लगभग 500 करोड़ की बिकी है। ये वाली 10 सेकंड की वीडियो 200 करोड़ की बिकी है। ये सब एनएफटीज हैं। आखिर एनएफटीज हैं क्या, इसको जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजेबल टोकन्स। नॉन फंजेबल थोड़ा अजीब सा नाम है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो नॉन फंजेबल का मतलब होता है यूनिक और नॉट रिप्लेसेबल। ऐसी चीज जो दुनिया में सिर्फ एक हो उसे हम नॉन फंजेबल कहते हैं। एग्जाम्पल ताजमहल, जो कि दुनिया में सिर्फ एक है, एक ही बनाया गया है, उसको हम नॉन फंजेबल कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो मोनालिसा की पेंटिंग, जो कि लियोनार्डो डा विंची ने सिर्फ एक बनाई थी, उसको भी हम नॉन फंजेबल कह सकते हैं। ऐसी चीज जो दुनिया में सिर्फ एक हो, यूनिक हो, उसको हम नॉन फंजेबल कहते हैं। नॉन फंजेबल हमने समझ लिया, तो अब टोकन के बारे में बात करें। टोकन क्या है? टोकन ऐसी चीज़ों की, नॉन फंजेबल चीज़ों की ओनरशिप देता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्या आप इसके ओनर हो, और ये ओनर प्रूफ ऑफ ओनरशिप है टोकन। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको एक एड्रेस दे दिया जाएगा कि ये एड्रेस आपकी ओनरशिप है। तो हम टोकन को इस तरह समझ सकते हैं। एनएफटी हमने समझ लिया। एनएफटी की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। एक जूते हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, 10 सेकंड की वीडियो हो सकती है, मूवी का फर्स्ट टिकट हो सकता है, किसी शो का फर्स्ट टिकट हो सकता है। एनएफटी की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। जो कंडीशन सिर्फ एक होनी चाहिए कि वो यूनिक होना चाहिए। आखिर इतना ज़्यादा एनएफटी ट्रेंडिंग में क्यों है? एनएफटी ट्रेंडिंग में सबसे बड़ा रीज़न तो इसका यही है कि ये न्यू टेक्नोलॉजी है। जैसे कभी पहले मोबाइल फ़ोन्स आया करते थे, कि छोटा फ़ोन आया कि भाई मेरे पास फ़ोन है, तो आदमी दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए इसको मोबाइल को ख़रीदता था। और इंटरनेट जब पहली बार आया था, तो आदमी इंटरनेट चलाता था, उसको उसमें थोड़ा मज़ा आता था। तो इस तरह से ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, एक न्यू एरा है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें आपको रॉयल्टी मिलती है। अगर आपने एक एनएफटी मिंट करी है सबसे पहली बार, आप सबसे पहले ओनर हो उसके, तो आपको उसमें हर एक सेल पर 5-10% की रॉयल्टी मिलेगी। 5 भी मिल सकती है, 7 भी मिल सकती है, 8 भी मिल सकती है। हर एक सेल पर अगर मैंने 500 की लिए और दूसरे बंदे को 700 में सेल कर दी, मेरा फर्स्ट ओनर होगा जिससे मैंने फर्स्ट टाइम जो मिंट की होगी जिसने, उसको 5% की रॉयल्टी मिलेगी। दूसरा रीजन कि यहां पर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं कि मैंने 500 की ली और दूसरे बंदे को 700 की बेच दी, और उस बंदे ने 700 की ली और 800 में बेच दी, तो यहां पर ट्रेडिंग हो रही है। तीसरा रीजन इसका कि कलेक्शन का शौक होता है बहुत से लोगों के, कि एक आजकल डिजिटल करेंसी हो गई है, डिजिटल आर्ट, डिजिटल गोल्ड हो गया है, तो डिजिटल आर्ट क्यों नहीं हो। तो एक ये न्यू टेक्नोलॉजी है, तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़र आ रहे हैं और एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। अगर आप भी एक क्रिएटर हो, तो आप भी अपनी एनएफटी बना करके सेल कर सकते हो। अगर आप एक ऑडियो क्रिएटर हो, वीडियो क्रिएटर हो, फोटोग्राफर हो, आर्टिस्ट हो, तो आप भी अपनी एनएफटी बना करके सेल कर सकते हो। सिर्फ कंडीशन एक होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा डिफरेंट होगी, उतना लोग उस पर अट्रैक्ट होंगे, उतनी जल्दी आपकी एनएफटी सेल होगी। अगर आप अपनी एनएफटी सेल करना चाहते हो, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू सेल एनएफटी ऑन ओपनसी प्लेटफॉर्म फॉर फ्री, कि आप अपनी एनएफटी लिस्टेड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो ओपनसी प्लेटफॉर्म पर, वो भी फ्री में, जो कि ओपनसी प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा एनएफटी प्लेटफॉर्म है, जहां पर खरीदी और बेची जाती हैं एनएफटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।